जय हिंद दोस्तों। सैनिकों को मिलने वाले सरकारी लाभ या फायदा कैसे मिले, सैनिक चाहे आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों या पैरामिलिट्री फोर्स के हों, तो बता दें कि ऐसे ऐसे लाभ हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, रिटायर हो गए हों या रिटायर होने वाले हों तो जरूर वो देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जो सर्टिफिकेट मिलती हैं वो किस काम आती हैं, बेनिफिट ऑफ सर्टिफिकेट। तो जो ट्रेड से संबंधित सर्टिफिकेट होती है वो किस काम आती है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, आईटी से संबंधित हो, फिटर, साइबर सिक्योरिटी, कुक, बार्बर, ड्राफ्ट्समैन, ड्राइवर, इस तरह की कई तरह की सर्टिफिकेट मिलती हैं जो ट्रेड से संबंधित होती हैं, वो आपके किस काम आती हैं मैं पूरी डिटेल इसमें बताऊंगा। सबसे पहले ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और ओ लेवल की सर्टिफिकेट, अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो सभी इन जॉबों में काम आती है, जिसमें लेखपाल, ग्रुप सी, ग्रुप डी की वैकेंसी हो, चाहे रेलवे की हो, सब में काम आती है। नेक्स्ट बात कर ले, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ऑल ट्रेड को मिलती हैं, वो किस काम आती हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, 10th पास हुए, 15 साल सर्विस जिसकी है वो उनको मिलती है, वो किस किस किन किन कामों काम में आती है, तो पूरी डिटेल इसमें मिलने वाली। सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखें, जो स्पेशल कोर्स किए होते हैं, कई लोग ऐसे कोर्स किए होते हैं, पीटी कोर्स, योगा कोर्स, ड्रिल कोर्स, BFNA, ये इनकी जो सर्टिफिकेट होती है वो किस काम आती है, तो इसमें मैं ये भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले अभी देख लेते हैं जो आपको सर्टिफिकेट मिलती है ट्रेड से संबंधित, जो ट्रेड से संबंधित सर्टिफिकेट मिलती है वो NCVT सर्टिफिकेट के वैलिड होती है, लेकिन जितनी भी ट्रेड सर्टिफिकेट मिलती हैं वो 6 मंथ की कोई भी सर्टिफिकेट के बराबर होती है। अगर 2 साल की सर्टिफिकेट या 1 साल की सर्टिफिकेट मांगी जा रही तो आपकी ट्रेड सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, ध्यान रखें। तो ध्यान रखें कि आपकी 6 महीने की कोई भी सर्टिफिकेट आपकी वैलिड मानी जाएगी अगर 6 महीने की मांगी गई है। इसमें कई तरह की जॉब होती हैं, लेकिन रिलायंस में आप ट्रेड सर्टिफिकेट के थ्रू जॉब पा सकते हैं, जॉब मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है उसका मैंने 2 डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, सेना की ट्रेड सर्टिफिकेट से रिलायंस में मिलने वाली जॉब 2022 कैसे मिलेगी, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में दी हुई है। चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, सभी लोग इससे ये वीडियो देख लें, इसके थ्रू जॉब पा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ये ट्रेड सर्टिफिकेट से। अगर फ्रेशर हैं, नहीं ट्रेड सर्टिफिकेट GD के हैं, तो आपको फ्रेशर के लिए भी, चाहे एक्स सर्विसमैन हो या उनके डिपेंडेंट हो, उनके लिए भी रिलायंस जियो में जॉब रहती है, वो 10th पास होना जरूरी है। ऑल इंडिया के सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इन सारे वीडियो जितने मैं बताते जा रहा हूँ सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू देख लें, पहले ये वीडियो पूरा देख लें जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके। नेक्स्ट, CSBO में अगर आपके पास ऑपरेटर ट्रेड रहा हो और ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है तो CSBO में आप जॉब पा सकते हैं, यानी कि सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर की वैकेंसी, ये सिग्नल कोर में ऑपरेटर की जो सिविलियन होते हैं, सिविलियन ऑपरेटर, उनकी वैकेंसी होती है। इसमें पूरी डिटेल मैंने बनाई हुई, कैसे अप्लाई करना है, कैसे ये जॉब मिलती है, तो ये वीडियो जरूर देख लें, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, तो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट सभी को मिलती है चाहे किसी भी ट्रेड के हों, वो किस किस काम आती है, तो सबसे पहले वो काम आती है किसी तरह की सिक्योरिटी जॉब हो या DSC की जॉब हो, वो उसमें काम आ जाती है, तो वो काम आप उसको यूज में ला सकते हैं, हर तरह की सिक्योरिटी जॉब में वो काम आती है, तो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट सभी के लिए मिलती है, उसका यूज करें। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ वैलिड है, तो ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो होती है ये इक्वल टू ग्रेजुएट मानी गई है, और ये कोर्ट का भी आदेश है कि ग्रेजुएशन के बराबर मानी जाएगी, लेकिन ये ग्रुप सी और डी में ही मानी जाएगी, तो कई ऐसी क्राइटेरिया रहती हैं जिसमें ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं वैलिड रहती, तो कब कब मान्य है कब कब मान्य नहीं है इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, ये वीडियो आप जरूर देख लें, जिसने नहीं देखा है तो ये वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कब कब मान्य है। इसके बाद जो कोर्स आर्मी कोर्स किए जाते हैं वो कोर्स कब कब मान्य है और किन किन जॉब में वो कोर्स यूज में ला सकते हो, तो सबसे पहले PT कोर्स की बात कर लें, तो स्कूल और कॉलेज की कई ऐसी वैकेंसियां निकलती हैं जिसमें PT कोर्स की इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है, उसके मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं, देख लें जिन्होंने नहीं देखा है, तो ये PT कोर्स के
स्कूल और कॉलेज की जो जॉब निकलती है उसमें आप पीटी कोर्स वाले इंस्ट्रक्टर की जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट, योगा कोर्स में भी स्कूल कॉलेज के योगा टीचर के तौर पे आप इसकी यूज कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट का। नेक्स्ट बात कर लें ड्रिल कोर्स, तो सभी सिक्योरिटी एजेंसियों में ड्रिल ट्रेनर की जो जरूरत होती है उसमें एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है या एक्स पैरामिलिट्री हो, अगर ड्रिल कोर्स किया है और वो सर्टिफिकेट है तो हर एक एजेंसी में, सिक्योरिटी एजेंसी में आप वो जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज, फायर फाइटिंग की जो सर्टिफिकेट मिलती है, फायरमैन की जॉब में आप उस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। फायरमैन की फायर सर्टिफिकेट मांगी जाती है तो वो आप इसमें अपना यूज कर सकते हैं और लगा के जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट, अभी कई लोग बीएफएनए कोर्स किए होते हैं, तो बीएफएनए में जो चीज आपको पहले कभी नहीं पता होगी, प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं आप बीएफएनए से। लेकिन प्राथमिक उपचार केंद्र में कई कंडीशन भी लगाई गई हैं, किन किन कंडीशनों में आप वो खोल सकते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार केंद्र में बता दें कि आप किसी भी तरह के मेडिसिन और इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं इस केंद्र में, ध्यान रखें। लेकिन इसमें आप एक चीज ध्यान रखें, प्राथमिक उपचार केंद्र में आप जो खोलेंगे तो इसमें आप किसी तरह की चोट या किसी तरह का चोट और पट्टी का काम कर सकते हैं। हालांकि ये उपचार केंद्र जो खोला जाता है ये बाकी झोला छाप डॉक्टरों से बेहतर है, आप उस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसी सर्टिफिकेट होती है जो कि आप दिखा सकते हैं कि प्राथमिक उपचार केंद्र खोलने लायक हैं आप, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, दवा नहीं बेच सकते हैं और ना ही इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो वो आप जब झोला छाप डॉक्टर, उनके पास कोई डिग्री कुछ नहीं होती, तब वो बेच के कर सकते हैं। तो आप समझदार हैं, कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन प्राथमिक उपचार केंद्र में आप सिर्फ पट्टी या किसी का घाव चोट है इस तरह का काम, ड्रेसिंग का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लें, जो नेक्स्ट इसमें आता है कि भूतपूर्व सैनिकों को उनके राज्य में कितने परसेंट आरक्षण मिलता है, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। हर एक स्टेट के आरक्षण कितना है वो वीडियो देख लें, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्स सर्विसमैन के टॉप 10 बिजनेस जो एक्स सर्विसमैन को करना चाहिए, टॉप 10 बिजनेस आइडिया में मैंने वीडियो, 10 बिजनेस ऐसे हैं जो भूतपूर्व सैनिक चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनके वीडियो बनाए हुए हैं। जैसे कि पेट्रोल पंप कैसे खोलें, गैस एजेंसी कैसे लें, भूतपूर्व सैनिक हों या पैरामिलिट्री सैनिक हों, या इफको खाद का लाइसेंस, बीज लाइसेंस और इस तरह के लाइसेंस कैसे लें, इसका भी, इसकी दुकान कैसे खोलें, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सैनिक कैंटीन कैसे खोली जाए, चाहे पैरामिलिट्री स्टाफ हो, सैनिक हो, चाहे भूतपूर्व आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हो, सभी खोल सकते हैं। पुलिस वाले, पुलिस भी खोल सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं शराब ठेका कैसे लें, ये भी एक मैंने वीडियो बनाया है। इस तरह के 10 ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को वो बिजनेस करने चाहिए, इनके सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सरकारी राशन की दुकान भी सैनिक खोल सकते हैं, 50,000 के खर्च में ये सरकारी राशन की दुकान खोली जा सकती है। इसके बाद अभी बता दें कि सेना रिटायरमेंट के बाद 10 ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां से भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां मिलती हैं। 99% सैनिकों को नहीं पता होगा, जिसको, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लें, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद बता दें कि एक चीज और होती है कि 1 से 3 साल में पैसे डबल कैसे करें, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, पैरामिलिट्री हो, कई एक्स सर्विसमैन ऐसे भी हैं या सैनिक ऐसे भी हैं जो कि शेयर मार्केट में अपना पैसा डुबो के बैठे होते हैं, तो वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे उनका पैसा सेफ हो, सुरक्षित हो और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो। तो ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है, 1 से 3 साल में पैसे डबल कैसे हों, सैनिक इस तरह इन्वेस्ट कैसे करें, 37% तक सालाना ब्याज मिलता है इसमें, तो ये वीडियो जरूर देख लें जिन्होंने नहीं देखा है। बंदूक पिस्टल का लाइसेंस का भी वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लें। 90 दिन में बनकर बिना दलाल के आप 1,000 रुपये खर्च करके आप लाइसेंस ले सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो चुका है और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं भूतपूर्व सैनिक, या सैनिक भी कर सकते हैं। इसके बाद 5 काम ऐसे होते हैं जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वो 5 काम आपको करना जरूरी होता है। ऐसी संस्थाएं हैं, 5 संस्थाएं जहां जहां पे आपको संपर्क करना होता है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लें। 5 संस्थाएं जहां पर संपर्क करना है, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है।
इस वीडियो में इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।